डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसे कि आप जानते होंगे, साइंस में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के अभ्यास वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो अभ्यास वाले प्रश्नों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के आगे तक के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक में से, आप बुक से क्वेश्चन लिख सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन चलिए हम यहाँ से बोल देते हैं, आप मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखा है क्वेश्चन, प्रखनली ए, कैपिटल ए एवं कैपिटल बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। पूर्ण विराम। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्रैकेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल के ब्रैकेट में लिख लीजिए CH3COOH। डालिए पूर्ण विराम। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रण समान है पूर्ण विराम। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? सबसे पहले बोला जा रहा है कि दो ना परखनली है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, दोनों परखनली की जो लंबाई है सेम है, और दोनों में एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ध्यान रखिएगा, और एक में एसिटिक अम्ल है CH3COOH। दोनों में मैग्नीशियम का पट्टी डाला जाता है समान लंबाई की, दोनों का सांद्रण भी सेम है, तब बोला जा रहा है कि दोनों में से किस में अधिक तीव्रता से बुदबुदाहट होगी। ठीक है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि जो ज़्यादा तीव्र वाला अम्लीय रहेगा, तो HCl और CH3COOH, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, ध्यान से समझिएगा, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो ज़्यादा अम्लीय होगा वही ना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, मतलब ज़्यादा बुदबुदाहट होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि दोनों में भाई अम्ल है, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक में एसिटिक अम्ल है, लेकिन जिसका pH मान जितना कम रहेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा, उसको हम कहेंगे कि उसमें बुदबुदाहट ज्यादा होगी। तो HCl जो है एसिटिक अम्ल के अपेक्षा ज्यादा अम्लीय है, यही कारण है कि परखनली ए में जो है तीव्रता से बुदबुदाहट होगी। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए। उत्तर, परखनली ए में अधिक तीव्रता से बुदबुदाहट होगी क्योंकि परखनली ए में अधिक तीव्रता से बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉमा एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्लीय है। जी हाँ, आखिर क्यों होगा ए में बुदबुदाहट ज़्यादा? इसलिए क्योंकि एसिटिक अम्ल से प्रबल शक्तिशाली अम्ल कौन है? HCl है। तो अगर जिसमें, मान लिया कि दो अगर आपको परखनली दे दे, एक में अलग अम्ल और दूसरा में अलग अम्ल दे दे, और बोलेगा कि किस में बुदबुदाहट ज़्यादा होगी, तो जो सबसे ज़्यादा अम्ल होगा
तो याद रखिएगा कि HCl का जो है एसिटिक अम्ल से ज़्यादा शक्तिशाली वाला अम्ल है, इसलिए परखनली ए जो है उसमें ज़्यादा तेजी से बुदबुदाहट होगी। ऐसा नहीं है कि बी में होगा ही नहीं बुदबुदाहट, होगा, लेकिन HCl से कम होगा क्योंकि ये दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए, ताजे दूध के पीएच का मान, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, 6 होता है पूर्ण विराम, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए, अपना उत्तर समझाइए। देखिए सवाल पहले ढंग से समझिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो फिर आंसर उसका आप कैसे देंगे। क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई सबसे पहले ना आप दूध लीजिए, ठीक है, अब दूध का पीएच मान अभी 6 है, ठीक है, और दूध ये है क्या, तो दूध है, और जब ये दही में बदल जाएगा, दही में, तो यहाँ पे पीएच कितना होना चाहिए, 6 से ज़्यादा होगा कि 6 से कम होगा कि 6 का 6 ही रहेगा। तो आप हमको एक सवाल बताइए, दूध से दही जो है ज़्यादा खट्टा रहता है कि कम खट्टा रहता है कि उतना ही दोनों का स्वाद सेम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूध से दही का जो स्वाद है वो खट्टा होता है, ज़्यादा खट्टा होता है। दूध में भी खट्टापन है लेकिन कम मात्रा में है, दूध भी अम्लीय है, क्यों, क्योंकि 0 से 7 के बीच में है इसका पीएच मान 6, लेकिन जब यही दही में परिवर्तित होगा मेरे साथियों तो इसका पीएच मान 6 से क्या होगा, कम होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये दूध से ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो जो ज़्यादा खट्टा होता है वो 0 के करीब आने लगता है, 6 से घट जाएगा, ठीक है, तभी ना ज़्यादा ये खट्टा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दूध से ज़्यादा खट्टा होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक है, आपको हम पढ़ाए थे दूध से दही में परिवर्तन होने के लिए एक एंजाइम कार्यशील करता है जिसको लैक्टोबैसिलस एंजाइम कहते हैं, वही जो है इसमें खट्टापन को बढ़ा देता है। दूध से दही बनने के लिए एक लैक्टिक अम्ल इस्तेमाल होता है, वही लैक्टिक अम्ल जो है दही की जो अम्लीय मात्रा है उसको, यानी कि खट्टापन है, वो बढ़ा देता है। सिवाय हम ये बोलेंगे कि दूध का जितना पीएच मान था उससे इसका क्या हो जाएगा, दही का कम हो जाएगा, और दही में बदलने के लिए लैक्टिक अम्ल की ज़रूरत होती है, लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा कि दूध दही में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल। कोई पूछेगा कि दूध में कुछ होता है, तो आप बताइएगा लैक्टोज, ठीक है, इसमें यानी कि दूध में लैक्टोज होता है जबकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है लैक्टिक अम्ल। तो इसके वजह से दही का जो पीएच मान है दूध के पीएच मान यानी कि 6 से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए दही जो है हमको दूध से क्या लगता है, ज़्यादा खट्टा लगता है। तो कुल मिलाकर चलिए पहले इसका आंसर लिख लिया जाए, वही बात है जो भी हम समझाए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जब ताजे दूध से दही बनती है तो ध्यान रखिएगा कि दूध में लैक्टोज होता है लेकिन जैसे ही दही होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो कहां तक के हम लोग लिखे थे, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज कॉमा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, अतः दूध का पीएच 6 दही बनने पर अपेक्षाकृत 6 से कम हो जाता है, अर्थात
दही की अम्लीयता, अर्थात दही की अम्लीयता दूध से ज्यादा हो जाती है। दही की अम्लीयता दूध से ज्यादा हो जाती है, तो वही बात था जो हम लोग समझे थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन, एक ग्वाला, ग्वाला किसको कहते हैं जो दूध को घर घर पहुंचाता है, दूध जो गाय पालता है स्पेशल, जिस जिसका काम ही है, जिसका बिजनेस ही है गाय से दूध निकालना और उससे बिजनेस करना है, जिसको ग्वाला कहते हैं। तो लिखा जाए, एक ग्वाला दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। यानी कि एक ग्वाला जो है दूध में क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं। उसके नीचे ए और बी करके सवाल है, तो ए नंबर में लिखा जाए, ताजे दूध के पीएच के मान को, ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर, 6 से बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है, क्षारीय क्यों बना देता है। और बी नंबर में क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, अधिक समय क्यों लगता है। तो 12 का ए नंबर और बी नंबर, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, दो क्वेश्चन हुआ। पहला, पहले तो ये बोला गया कि एक ग्वाला जो है दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, क्षारीय बना देता है। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि जो दूध का पहले पीएच मान 6 था, वो बदल कर क्षारीय क्यों हो जाता है। इसलिए क्षारीय हो जाता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, क्षार है। जैसे मान लिया आप दूध में अगर आप चीनी डालिएगा तो मीठा ही ना होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है कि इसको बनने, दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखिए, आप दूध रखिए, दूध में को उबाल करके और उसमें अगर कोई नींबू वगैरह डालिए, खट्टा चीज़, तो दही में बदलने लगेगा। लेकिन हम ऐसा करें कि दूध में पहले थोड़ा सा चीनी का मात्रा डाल दें, ठीक है, और तब जाके खट्टा पदार्थ डालें, तब इसको दही बनने में ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि मीठापन को पहले काटेगा, तब ना वो इसमें दूध में अपना दही जो है काम करेगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि वो काम कैसे करेगा। तो कुल मिलाकर ये सबसे पहले मीठापन को काटेगा और फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बोला जा रहा था कि इसको दूसरा क्वेश्चन में कि ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए का उत्तर लिखा जाए, ए का उत्तर लिखेंगे। ए में ताजे दूध के पीएच का मान, ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टो बेसिलस जीवाणु, बताए होंगे हम पहले भी जब बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, नहीं सर अभिक्रिया का पढ़ रहे होंगे, लैक्टो बैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है, दूध को अम्लीय बना देता है। पूर्ण विराम, दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो कुल मिलाकर
आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बोला जा रहा था कि क्षारीय क्यों बना देता है, तो क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित कौन सा रहता है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो दूध को अम्लीय बना देता है और जिससे बचाने के लिए थोड़ा सा उसमें क्षार मिलाया जाता है, क्षार के रूप में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध जो है अच्छे लंबे समय तक दूध खराब नहीं हो, यानी कि दूध को आप ऐसे रख दीजिएगा ना तो धीरे 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 वो खटापन हो जाता है, ठीक है। तो दूध को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्षारीय यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बी नंबर का उत्तर लिखा जाए, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जिस दूध में अगर बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो उस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो हम जैसा कि जान रहे हैं दूध से दही बनने में एगो है कि दूध में डायरेक्टली नींबू डाला जाता है, नींबू का रस खट्टापन, तो उसको दही बनाना है। एगो है कि दूध है और उसमें फिर थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, थोड़ा सा चीनी, तब जाके खट्टा पदार्थ डालिए, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पहले मीठापन को काटेगा, है ना, तब जाके वो दूध को दूध में काम करना शुरू करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पहले किसको कम करेगा, जो बेकिंग सोडा डाले हुए हैं उसको पहले काटेगा, वो जब कट जाएगा यानी कि उसको उदासीन करेगा बेकिंग सोडा जो डाले हैं, तब ना वो दूध में काम करेगा। तो बी नंबर का उत्तर लिखा जाए, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल, इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करेगा, बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करेगा फिर इसे अम्ल में बदलेगा, फिर इसे अम्ल में बदलेगा, जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो कुल मिलाकर ये था हम लोगों का क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन डिस्कस किए, 10, 11 और 12। तो दोस्त अगले दिन हम 13, 14 और 15 यानी कि कल लास्ट क्लास होगा, अगले दिन मतलब जब भी क्लास हो तो एक ही क्लास का बचा हुआ ये अम्ल क्षार और लवण, फिर हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।